हाय एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माय चार्मिंग सीक्रेट्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पपाया की हेल्प से अपने फेस पर फेशियल करें, वो भी बहुत कम टाइम में और अपने ही घर में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने पपाया से एक बार फेशियल कर लिया तो आप पार्लर वाला फेशियल तो भूल ही जाओगे। पपाया फेशियल आपकी स्किन से डस्ट को रिमूव करेगा और साथ ही अगर आपकी स्किन पर टेनिंग की प्रॉब्लम है या फिर झाइयाँ पड़ी हुई है, ये उसे भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगा। तो आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारी नई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। पपाया फेशियल बनाने के लिए पहले आपको पपाया को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसका एक फाइल पेस्ट बना लेना है। आपको पपाया को इतना बारीक पीस लेना है जिसे आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकें। तो चलिए अब हम इस पपाया फेशियल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पपाया फेशियल को बनाने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग करने के लिए आपको लेना है 1 टीस्पून जितना पपाया पेस्ट। गाइस, पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, साथ ही पेपेन एंजाइम भी। पपीता डेड स्किन को हटाने का काम करता है और यह स्किन को हाइड्रेट रखता है। अब आपको इसमें ऐड करनी है 1 टीस्पून मलाई। मैंने इसमें मलाई यूज़ की है, अगर आपके पास मलाई है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज आप इसमें रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। अब आपको इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपको इसे अप्लाई करना है। 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। आपको ज़्यादा टाइटली मसाज नहीं करनी है। वैसे तो अगर आपने कभी फेशियल कराया होगा तो आपको पता ही होगा कि वो कितने स्लो वे में मसाज करते हैं। 5 मिनट के बाद आपको अपने फेस को किसी टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लेना है या फिर गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। स्क्रबिंग करने के लिए आपको लेना है 1 टीस्पून पपाया पेस्ट। और फिर आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून शुगर। गाइस, चीनी हमारी स्किन पर एक बहुत अच्छे स्क्रबर की तरह काम करती है और अगर आप इसमें शुगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें 1 टीस्पून चावल का आटा या फिर मसूर की दाल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाइस, आप इस पेस्ट को तभी बनाएं जब आप फेशियल करें, उससे पहले आपको इसे बनाकर नहीं रखना है। ऐसा करने से चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी जिससे फिर ये स्क्रब नहीं रहेगा। सो जब आप इस फेशियल को करने के लिए रेडी हो तो तभी आप इस स्क्रब को बनाएं। अब आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है, मसाज करनी है और फिर अपने फेस को सिंपल वाटर से वॉश कर लेना है। आपको लेना है 1 चम्मच पपाया पेस्ट और फिर आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून कोल्ड क्रीम। आप कोल्ड क्रीम स्किप करके इसमें मलाई और अमूल फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है और मसाज करनी है। जैसे मैंने आपको क्लिनजिंग में बताया है, स्लो वे में आपको मसाज करनी है। 5 मिनट के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है या फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेना है। फेस पैक बनाने के लिए आपको लेना है 2 टीस्पून पपाया पेस्ट। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून हनी। और फिर आपको 1/2 स्पून आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल इसमें ऐड करना है। बादाम तेल में विटामिन ई और डी, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आपकी स्किन, हेयर और यहाँ तक कि हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। बादाम तेल में पोषण होता है जिससे स्किन हाइड्रेट रहती है, स्किन का रंग फेयर होता है और साथ ही स्किन ग्लो करने लगती है। इसके बाद आपको इसमें 1.5 टीस्पून बेसन ऐड करना है। गाइज, बेसन हमारी स्किन से झुर्रियों और झाइयों को रिमूव करता है और साथ ही स्किन को लाइटन करता है। अब आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है। गाइज, ये फेशियल आपकी स्किन को पार्लर से भी अच्छा ग्लो देगा। ये बिल्कुल नेचुरल फेशियल है। अगर आप इसे यूज़ करती हैं तो आपके फेस पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा।
सो आप इस फेशियल का यूज़ ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।